फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल पोटली अनीता की। आज हम बनाने जा रहे हैं मुखवास आंवले से। आपको पता ही है आंवला गुणों की खान है, विटामिन ए विटामिन सी से भरपूर होता है, जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो ये मैंने आधा किलो आंवले ले लिए हैं, जो कद्दूकस कर लिए हैं। इसके अंदर हम मिलाने जा रहे हैं ये अजवायन, जो मैंने अच्छे से साफ करके और उसको दरदरा पीस लिया था, तो ये इसमें मैं मिला रही हूँ। दो चम्मच, दो टेबलस्पून के करीब अजवायन है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। और काला नमक स्वादानुसार, काला नमक स्वाद के अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं इसको भी। तो ये काला नमक डाल दिया है और थोड़ी सी सौंठ, क्योंकि ये सारे ही डाइजेस्टिव होते हैं, तो इसीलिए सौंठ मैं जरा कम ही डालना पसंद करूंगी, क्योंकि सौंठ गर्म होती है, हर किसी को सूट नहीं करती। और थोड़ा सा मैं ये ले रही हूँ पिसा हुआ जीरा, जीरा पाउडर, ये भी हम डेढ़ चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ। तो अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं आपको सभी चीजें ऐसी बताती हूँ जो आप चुटकियों में कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, आसान, जिसमें कोई झंझटबाजी नहीं होता। बस आंवलों को अच्छे से धोएं, सुखाएं, पोंछकर आप आंवलों को कद्दूकस कर लीजिए, और इस तरह से आप ये पूरे साल भर के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। अभी मैं इनको मिक्स करने के बाद इसी बाउल के अंदर छोड़ दूंगी, ताकि ये जितने भी मसाले हैं ये आंवले के अंदर रच बस जाएंगे अच्छे से। इनका जो फ्लेवर है आंवले की, एक एक जो इसका है पार्ट है, आंवले के सभी पूरे पार्ट में इनका पूरी अच्छी तरह से इफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने इनको करीब दो घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था। अब हम इसको धूप में सुखाएंगे। इसके लिए मैंने एक पॉलीथिन ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर सुखा के साफ किया हुआ है। इस पॉलीथिन पे अब हम इसको डाल देंगे। अब इसके अंदर सारे मसाले मिक्स हो गए हैं अच्छे से। इसके अंदर हम ये सभी हमारे आंवले का जो कद्दूकस किया हुआ है, इसको सबको हम डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से फैला देंगे। फिर इस पॉलीथिन को मैं अभी धूप में रख दूंगी, तो इसको हम पूरा ड्राई होने तक धूप में सुखाएंगे। और चाहे तो आप पंखे में भी सुखा सकते हैं, अगर आपके घर धूप नहीं आती है तो आप इसको अपने पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको सूखने के बाद, जब ये सूख जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये आंवले की मुखवास हमारी तैयार हो गई है। इसको आप तोड़ेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी हो चुकी है, जो मैंने धूप में रखी हुई थी। ये देखिए, ये बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी है। अब इसको हम जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इसमें से हर टाइम लेके खा सकते हैं। इसको मैं अब अपने एक कांच के जार में सिक्योर करके रख लूंगी। किसी भी आप एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी खाना खाने के बाद खाएं, एंजॉय कीजिए। तो ये हमारा मुखवास तैयार हो गया है। मैंने एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर कर लिया है। इसको खाना खाने के बाद जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह की लार बढ़ती है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है, हमारे मुंह को फ्रेश कर देती है। ओके, बाय बाय। प्लीज़ कमेंट इन माय चैनल, आपको कैसा लगा, आप इसका ज़रूर प्रयोग करके देखें और अपने विचार शेयर कीजिए।